एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं जिनकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो वेरिएबल होती है। इनके अंदर हाफ फिल्ड डी और हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। इस हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप्स लगाते हैं, जब वो जंप करते हैं इसमें, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। इन ट्रांजिशंस की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी वैलेंसी वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ डिफरेंट होती है और इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब पीरियाडिक टेबल में कुछ इस तरह से पीरियाडिक टेबल होता है, एक स्केच ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, इसमें हम चार एलिमेंट्स के चार ब्लॉक बना लेते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, ये बीच में एस और पी के बीच में जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक है जिसको हम ग्रुप बी बी कहते हैं, और ये वाले जो हैं ये एफ ब्लॉक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये दोनों आते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये दोनों एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनको हम कहते हैं मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज यही एलिमेंट्स दिखाते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को हम मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, हालांकि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। यहां पर आपके कोर्स में हम यही सिर्फ मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस और स्टडी करेंगे, फिर हायर लेवल पर जाकर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है एफ ब्लॉक ये आप स्टडी करोगे। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ज्यादातर बहस उनकी है, एफ ब्लॉक की भी कुछ ना कुछ डिस्कशन है इसमें, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, ज्यादातर हम मेन एलिमेंट्स, मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक पर फोकस देंगे। अच्छा, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, इस डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम चार हिस्सों में, चार ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, इनटू फोर ग्रुप्स, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक जो एलिमेंट्स है वो है ग्रुप फर्स्ट। स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो है ग्रुप फर्स्ट। फिर यट्रियम से लेकर, फ्रॉम यट्रियम टू सिल्वर, ये है ग्रुप टू। फिर लेंथनम और हाफनियम से लेकर गोल्ड तक, एयू तक, ये है ग्रुप थ्री। और फिर आखिर में एक्टिनियम से लेकर मेटनेरियम तक, ये है ग्रुप फोर। इस तरह से ग्रुप फोर में पीरियाडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हो, पीरियाडिक टेबल आपके साथ हाथ में है। इस तरह से इन चार ग्रुप्स में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तकसीम कर लेते हैं। अब डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन एलिमेंट है विच हैव पार्शली फिल्ड एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। एन माइनस वन, इनका यह मतलब है लास्ट शेल, लास्ट शेल से जो पहला वाला शेल है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ये है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनके ये जो चार ग्रुप्स हमने बनाए हैं, तो पहले वाले ग्रुप के 3d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, 3d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल नहीं है, मतलब इस फर्स्ट ग्रुप का 3d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, ग्रुप टू का 4d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, ग्रुप थ्री का 5d ऑर्बिटल और ग्रुप सिक्स का ग्रुप फोर का 6d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। इस तरह से हम डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना।
अब कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लें। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अच्छा, पीरियाडिक टेबल में अब देख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट जहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, इससे पहले एस ब्लॉक का एक एलिमेंट आ जाता है और वो है कैल्शियम। डी ब्लॉक से पहले जो एलिमेंट आता है वो है कैल्शियम, जो कि एस ब्लॉक में है और जिसका एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, अब इस कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ड्रा कर रहा हूं। देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कंप्लीट हुआ। 2 और 2 4 और 6, 10 और 2 12 और 6, 18 और 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब कैल्शियम के बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट आता है वो है स्कैंडियम, SC, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, आफ्टर 20 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं ड्रा कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम इसके। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 2 और 2 4 और 6, 10 और 2 12 और 6, 18 और 2 20 और 21, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अच्छा, 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, यहां पर 4s इलेक्ट्रॉन शिल नंबर 4, ये है शिल नंबर 4 का जो ऑर्बिटल है s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं और वो कैल्शियम में ऑलरेडी हुए थे। ग्रुप नंबर 4 के ऑर्बिटल s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इसको मिल गए हैं, मतलब s शिल नंबर 4 का ऑर्बिटल s वो पूरा हो गया है। उसके बाद जब हम जंप कर लेते हैं तो ये 21वां इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस शिल नंबर 3 में आ जाता है। एक बार 4 को इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे, वापस में 3 में आ गए। क्यों? अब हमको पता लग गया कि शिल नंबर 3 का जो ऑर्बिटल d है वो वैकेंट, खाली रह गया था, एम्प्टी रह गया था। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस जो 4 वाला शिल है उससे वापस जंप लगाकर 3 शिल में, जो तीसरे शिल में जो डी ऑर्बिटल खाली रह गया था, उसको फिल करने जाते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के। ठीक है, अब ये क्यों, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑफ बाओ प्रिंसिपल में, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो शिल में अरेंज होते हैं, ऑफ बाओ प्रिंसिपल कहता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन्स शिल के अंदर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बुनियाद पर अरेंज होते हैं, मतलब जिस शिल और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा कम है वो पहले फिल होगा और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा है वो सबसे आखिरी में फिल होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट होती है, और वो पता हम लगाते हैं 2 नंबर से कि किसकी एनर्जी कितनी है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजीमिथल क्वांटम नंबर। इनको जमा करके जो जवाब आ जाता है वो इनकी एनर्जी होती है। 4 का, 4 n इज इक्वल टू 4, 4s का n है 4। ठीक है, s क्या है, एजीमिथल क्वांटम नंबर हमें पता है कि s 0 है, p इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 2 है और f इज इक्वल टू 3 है। तो 4s का n जो है वो तो 4 है ऑलरेडी। ls का जो है वो s है, s 0 है, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अच्छा, 3d का अगर कैलकुलेट करें तो इसका n ऑलरेडी 3 है, 3। d जो है वो यहां पर है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा और 4s की एनर्जी कम है, इसीलिए कम एनर्जी वाला सबशिल और शिल पहले भर गया, हायर एनर्जी वाला शिल सबशिल ख्वा वो उससे नीचे है वो बाद में भरेगा। ठीक है, ख्वा वो तीसरे शिल में ये ऑर्बिटल है लेकिन एनर्जी उसकी ज्यादा थी इसीलिए वो पहले से फिल नहीं हुआ था। शिल नंबर 4 का s ऑर्बिटल पहले फिल हो गया, अब ये शिल नंबर 3 का d ऑर्बिटल फिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका होता है।
अब देखो यहां पर, चूंकि 4s में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर चुके थे 3p के बाद, शेल नंबर 3 के p ऑर्बिटल के बाद शेल नंबर 4 के s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर चुके थे, वो फिल हो गया। अब जब d ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हुए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वापस से 3 नंबर शेल के d ऑर्बिटल्स में फिल होना शुरू हुए। ठीक है, इसका मतलब ये d ऑर्बिटल ये वैकेंट था। अब ये वैकेंट जो कि अब यहां पर इस केस में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वैकेंट नहीं, पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे शेल से जंप करते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन इस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं और इन्हीं जंप्स को हम कहते हैं ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसीलिए यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, अच्छा, अब स्कैंडियम से शुरू होकर स्कैंडियम से आने वाले अगले एलिमेंट 22 फिर 23 फिर 24 एटॉमिक नंबर जो आएगा, इसी तरह से ये 3d जो ऑर्बिटल है ये फिल होता जाएगा 1 2 3 4 5, जाकर जिंक पर जहां पर एटॉमिक नंबर है उसका 30, वहां पर ये 3d वो 10 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 4s2 3d10, जिंक पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कुछ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब कुछ जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, वो तमाम के तमाम हार्ड मेटल्स हैं, मेटल्स है तो हार्ड ही होंगे। ठीक है, सिर्फ एक मेटल पूरे पीरियाडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में है और वो है मरकरी, बाकी तमाम के मेटल्स सॉलिड फॉर्म में है और वो सख्त है, टफर है। अच्छा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जाहिर बात है टफ मेटल्स है, हार्ड मेटल्स है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इनकी ये टफनेस जो है, हार्डनेस जो है, वो एन माइनस वन डी ऑर्बिटल की पार्शली फिल होने की वजह से है। इनका एन माइनस वन डी ऑर्बिटल पार्शली फिल है तो जब इसका आउटर मोस्ट शेल 4 नंबर शेल इस इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं तो बीच में ये भी चिल्लांग लगा लेते हैं, एन माइनस वन डी के जो ऑर्बिटल है वो भी चिल्लांग लगाकर बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ, आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ आउटर मोस्ट शेल से पहला जो थर्ड शेल है, आउटर मोस्ट शेल 4 है, जो पहला थर्ड शेल है उसका डी ऑर्बिटल भी, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड में हिस्सा लेना चाहते हैं और उस वजह से इनका बॉन्ड वो टफ हो जाता है, सख्त बॉन्ड बन जाता है। और जब बॉन्ड टफर होता है तो उतना मेटालिक बॉन्ड है यहाँ पर, उतना जितना टफर बॉन्ड है उतना ही हार्ड मेटल होगा और उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ये एन माइनस वन डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, ऑलरेडी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर जंप लगाते हैं और इन्हीं जंप को हम ट्रांजिशंस कहते हैं। अब जब ट्रांजिशंस होती हैं एक शेल से दूसरे शेल को, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है ट्रांजिशंस होती है तो इससे एनर्जी निकलती है और जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादातर लाइट के शक्ल में होती है और लाइट किसी खास कलर की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स जंप। ठीक है, खास कलर की लाइट वो इमिट करती है, जब खास कलर की लाइट इमिट करती है तो जो लाइट वो इमिट करती है हमारे आंखों को वो चीज़ उसी कलर का नजर आता है। दिस इज द सीक्रेट बियॉन्ड द कलर्स ऑफ द थिंग्स विच वी सी, जो चीज हमें नजर आ रही है इसका मतलब इसे यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच रही है, हमारे आंखों का के कौन जो सेल्स है वो इसी कलर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उससे लाइट निकलती है वो खास कलर की होती है, तो ये जो कंपाउंड है ये कलर्ड कंपाउंड है, खास किस्म का कलर इसमें होता है, कलर्ड कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि इनमें ये जो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें ज़्यादातर अनपेयर्ड भी होंगे, अनपेयर्ड होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है जो डी, यहाँ पर देखो जो डी ऑर्बिटल है इसके अंदर
डी सबशेल जो है इसके अंदर फाइव ऑर्बिटल्स है डी जेनरेट, 1, 2, 3, 4, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस डी ऑर्बिटल डी सबशेल के अंदर ये फाइव ऑर्बिटल्स है और हर ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने आप को जब एक ही ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिक्स करेंगे, तो वो अपोजिट स्पिन में होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है, ठीक है। अब जब रूल हम अप्लाई कर लेते हैं तो रूल ये है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसे हो, अब ये तमाम के तमाम डी सबशेल के ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स है, तो तमाम की एनर्जी सेम होगी। अच्छा, जब तमाम की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है वो हर एक में अलहदा अलहदा जाकर जब सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तब एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है फिर से यहां पर आकर अपोजिट स्पिन पेयर अप कर लेंगे और इसी तरह से ये ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे। मतलब यहां पर अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लो फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d6 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर, दूसरा यहां पर, नहीं यहां पर आएगा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, फिर तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, और इन तमाम का स्पिन भी एक जैसे होगा। अब जब छठा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएगा और अपोजिट स्पिन में होगा, अगर सातवा हो फिर वो यहां पर आएगा और अपोजिट स्पिन में होगा, आठवा हो तो यहां पर अपोजिट स्पिन में आएगा, इसी तरह से ये फिलिंग होती है इन ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अच्छा, अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3d5 है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में, इन ऑर्बिटल्स में इसी तरह से फिल होंगे। जब इन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अब देखो, तमाम के तमाम सेम सिमत में, सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरा मैग्नेटिक होते हैं। क्यों पैरा मैग्नेटिक होते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अच्छा, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सेस भी बनती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके काबिल है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाए, ये एलिमेंट्स जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्सेस ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है कॉम्प्लेक्सेस बनाने में मदद देती है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। अच्छा, अब अगर बेंडिंग एनर्जी पर हम जरा गौर करें इसकी, तो वो तमाम की तमाम बात भी जाकर इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तवाफ करके वापस आएगी हमारे दिमाग को। हमें यहाँ पर यही चीज को, सारा फोकस यहाँ पर इस चैप्टर में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे इसी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के ऊपर है, क्योंकि इनके, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनके तमाम खसूसियात, इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से होती है, इस वजह से इनके ये यूनिक करेक्टर्स है। तो अब हर जगह में इसके ये करेक्टर्स के अंदर हम ये एक्सप्लेनेशन, इसके डी ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका पार्शियली फिल होना, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना, ये तमाम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब बेंडिंग एनर्जी है, हमें पता है कि आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड बनाते जाते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं, तो इसके n-1d सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्ड बनाने के लिए हाजिर हो जाते हैं, यह हमें पता है, ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसकी बेंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्ड बनाने के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो बेंडिंग एनर्जी हाई होगी। अब ग्रुप तकरीबन फाइव भी है, देख लो
अप टू 5b 6b 6b तक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते हैं। 5b से 6b तक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते हैं, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 से 6b तक ये बेंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, दिस बेंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन जैसे ही इससे ऑनवर्ड आप जाओ अप टू 2b तक, तो अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद में कमी आती है, देयर इज डिक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि 6b से आगे जाकर यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 6b तक। अब जो 6b के आगे एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स 4th, 7th, 8th ये आना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहां पर आएंगे? वो यहीं पर आएंगे। जब वो यहां पर आएंगे तो वो खाली जगह तो और है ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑर्बिटल में है वो उसी ऑर्बिटल में जाकर अपोजिट स्पिन के साथ पेयर अप कर लेंगे। अब पेयरिंग अप स्टार्ट हो गया, पहले 5 पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अब सिर्फ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते आपको दिखाई देंगे, फिर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन खत्म। बुक के अंदर जो टेबल दिया गया है उसमें वाजह नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब चूंकि 6b से ऑनवर्ड 2b तक ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो बेंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये बात नोट करने वाली है, इन पॉइंट्स को नोट करते जाओ, ठीक है। 5b टू 6b तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, पहले एक अनपेयर, फिर दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, तो बेंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है। 6b के बाद 4th इलेक्ट्रॉन आकर पेयर अप कर लेता है, तो एक तो पेयर बन जाता है, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, कमी आएगी तो बेंडिंग एनर्जी में भी कमी आएगी 6b के बाद 2b तक, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो पहले भी हम कह चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिंग है। +2 से लेकर +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये +2 से मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी होती है, वो +2 से लेकर +7 तक मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकती हैं। अब जितना इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, जितना इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो उतनी ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है। जितना इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो उतना ही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आने का अंदेशा है, ठीक है, उतना ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होगा। अब जब हम स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं स्कैंडियम से, स्कैंडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो ये मैं हटा देता हूँ, स्कैंडियम 3d1, सिर्फ 3d1 है, ठीक है। इसके आगे अच्छा, अब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तीसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, चौथा अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, पांचवा अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट और भी बढ़ जाएगा। और यही सेम चीज आपको मैंगनीज की हालत में दिखाई देगी। अब मैंगनीज, एक है मैंगनीज और दूसरा है क्रोमियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो +6 और +7 तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज और क्रोमियम के अंदर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक पहुंच जाती है। और उनसे पहले जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम थे, बाकी ऑर्बिटल्स खाली थे, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम थी, +2 +3
किताब में आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंगनीज से जब आगे हम चले जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कापर, तो ये हुआ आयरन, ये हुआ कोबाल्ट, ये हुआ निकल, फिर कापर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर होते जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते जा रहे हैं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही है, जितनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि मैंगनीज के बाद आयरन प्लस टू प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री, निकल प्लस टू, कापर प्लस टू, जिंक प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी कमी आ रही है। तो पहले में भी, पहले वाले एलिमेंट्स में भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू प्लस थ्री है, आखिर वाले एलिमेंट्स में भी प्लस टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, बीच वाले में जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, प्लस सेवन प्लस सिक्स तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। बात याद रखना अपने साथ, ठीक है।